नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है। आईएएस स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 से 15 तक जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित पूरे कंप्यूटर के एक वीडियो में 100+ क्वेश्चन यहाँ पर हमने संग्रहित किए हैं। वो क्वेश्चन आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर हमारे द्वारा जितने भी उत्तर देने का प्रयास किया गया है उत्तर हमने दिए हैं और आप भी उनको देख लेना, आपको एक अनुभव प्राप्त हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि इन क्वेश्चनों को देखकर आगे भी जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इन क्वेश्चनों से आपको एक अनुभव प्राप्त हो। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये दोस्तों हमारी एक सीरीज चालू की है हमने कि 9 से 15 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हर जो है टॉपिक से वो उसका वीडियो एक वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करें। तो यहाँ पर आज हम पहले करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चनों को, फिर पंचायती राज और जनरल नॉलेज और हिंदी से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनका अलग अलग वीडियो, अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन जितने हमारे पास कलेक्ट हो पाए हैं उनका वीडियो बनाकर आप तक हम प्रेषित करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन रखा है वो है URL का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वह URL का फुल फॉर्म माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल जो है ऑपरेशन अनुसार है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और एक्सेल सेल कॉपी कैसे करते हैं, तो Ctrl+C जो दबाते हैं उससे एक्सेल कॉपी हो जाता है। कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी है, तो CPU सबसे जरूरी है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, तो कंप्यूटर के लिए सबसे जरूरी है तो वो है CPU। नेक्स्ट SMTP का जो फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP और इसका फुल फॉर्म होता है। और एक्सेल एंड वर्ड में Ctrl+ का उपयोग होता है, तो व्यू परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो है परसेंटेज बढ़ाने के लिए व्यू वर्ड में कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ Ctrl+A का प्रयोग होता है, तो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है Ctrl+A का प्रयोग। और नेक्स्ट पूछा गया है कि रो एंड कॉलम्स को क्या कहते हैं, तो MS Excel में रो एंड कॉलम को क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। नेक्स्ट है फेसबुक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। और नेक्स्ट है सभी जानते हैं .com क्या होता है, तो टॉप लेवल डोमेन नेम होता है जो .com होता है। अब 15 तारीख के जो एग्जाम में वहां .edu पूछ लिया गया है ना, तो वो भी एक प्रोटोकॉल है, और .com पूछ लिया गया तो ये डोमेन नाम है, डोमेन नेम होता है। तो ये .com क्या होता है, डोमेन नेम .in इस प्रकार से ये होते हैं। तो कॉमर्शियल साइट के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है .com का। और नेक्स्ट है कार्बन कॉपी का उपयोग कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कार्बन कॉपी का प्रयोग भी होता है। और नेक्स्ट है कि Ctrl+ =2 का प्रयोग होता है सबस्क्रिप्ट करने के लिए, Ctrl+ =2 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पूछा है Ctrl+Shift+F का प्रयोग होता है फॉन्ट चेंज, फॉन्ट अगर आपको चेंज करनी है तो Ctrl+Shift+F का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्टकट की से। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म से। और FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछा गया है FTTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सबस्क्रिप्ट एंड सुपर सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट की क्या है, इसका जो है उत्तर आप देख लेना कि सुपर सबस्क्रिप्ट और एंड सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट कट से पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि गूगल का कौन सा ब्राउजर है, तो गूगल का जो ब्राउजर है क्रोम गूगल का ब्राउजर होता है, ये आप सभी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन है। सर्वर से डाटा कॉपी करने के लिए क्या कहते हैं, तो डाउनलोडिंग कहते हैं, सर्वर से अगर डाटा कॉपी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा कि प्रिंटर LCD क्या है, तो आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस होता है, जो प्रिंटर LCD होती है वो होती है आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट पूछा गया कि MS ऑफिस में इटैलिक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग होता है, तो Ctrl+I करोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेल में जूम कैसे करते हैं, तो Ctrl+ से क्या होता है, जूम होता है, Ctrl- से जूम आउट होता है, तो Ctrl+ से क्या होता है, जूम होता है। नेक्स्ट है वर्ड में सेंटर में अलाइन को अगर सेंटर करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+E करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड में कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो ये जो है विकल्प अनुसार हल किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जो स्क्रीन होती है उसे क्या कहते हैं, तो डेस्कटॉप कहा जाता है उसको, ये क्वेश्चन आया है। और कंप्यूटर सर्वर को जोड़ना क्या कहलाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर सर्वर को जोड़ते हैं, और कंप्यूटर सर्वर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं, और विभिन्न कंप्यूटरों को जब इंटरनेट के माध्यम से एक
कॉमन जो रहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक संस्था में कंप्यूटरों को सर्वर के माध्यम से विभिन्न कंप्यूटरों को एक स्थान पर जोड़ते हैं तो उसे इंट्रानेट कहा जाता है। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही जो है किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है कि पीरोम का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये अच्छे से पढ़ें, रोम का भी पूछा सकता है, रैम का भी पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार से आप देख लें, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का होता है, रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है पीरोम का। और नेक्स्ट पूछा गया कि एमएस वर्ड में न्यू पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग किया जाए, तो कंट्रोल प्लस एन जो है शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। दोस्तों आप हमारे शॉर्टकट की का वीडियो जरूर देखें, हमारी जो है चैनल पर उपलब्ध है, हमने बनाया है 100+ जो शॉर्टकट की है हमने उसमें समाहित किए हैं। और एमएस वर्ड में न्यू पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, कंट्रोल प्लस एन की जाती है। और उस वीडियो से जो है शॉर्टकट की रोज पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो एक बार जरूर देखें आप। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म माना जाता है, एक क्वेश्चन आया है। और 224 जीबी के बराबर होता है, तो एक टेराबाइट जो होता है वो 224 जीबी के बराबर माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, एम भी पूछा गया, केबी के बारे में पूछा गया और टीबी क्या है, इस प्रकार से जो है पूछे गए क्वेश्चन। और सबसे जो है बड़ी मेमोरी क्या है वो भी पूछा गया, तो टीबी, इसमें से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। ईमेल और इंटरनेट में क्या संबंध है, तो इंटरनेट से ही मेल होता है, ऑप्शन के अनुसार इसको जो है प्रयोग किया जा सकता है कि इंटरनेट से ही मेल होता है, इस प्रकार ये संबंधित होते हैं। और एमएस एक्सेल में जो रो एंड कॉलम होते हैं तो वो कितने होते हैं, तो 65,536 शायद रो होती हैं और जो कॉलम होते हैं वो 256 जो है कॉलम होते हैं। नेक्स्ट एमएस वर्ड एक्सटेंशन है, तो वो क्या है, डॉट डॉक जो होता है वो एमएस वर्ड एक्सटेंशन इसे कहा जाता है। और कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है, तो अंडरलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है। पीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइमरी डाटा सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। और नेक्स्ट पूछा गया कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। और आज जो है डॉट ईडीयू प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया कि ये क्या है, तो एजुकेशन का जो पूछा गया एजुकेशन के लिए, तो ऐसा ही बिजनेस के लिए भी पूछा जा सकता है, बिजनेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। कंट्री के लिए पूछा जा सकता है कि भारत के लिए, भारत में कौन सा प्रोटोकॉल जो है प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से डॉट इन आपने सुना होगा, इसलिए कंट्री के अलग अलग होते हैं, डॉट यूएसए डॉट अलग अलग होते हैं, कंट्री के भी प्रोटोकॉल होते हैं, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। शिक्षा से संबंधित आज पूछा गया 15 तारीख में। और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज होता है, तो ओपन इंसर्ट डायलॉग टू इंसर्ट ब्लैंक सेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक्सेल में F2 का प्रयोग, जो फंक्शन की होती है F2, उसका प्रयोग कहा होता है, एडिट द सिलेक्टेड सेल, मतलब जो किसी भी अगर रिनेम करना है आपको तो F2 के माध्यम से हो सकता है, तो एडिट द सिलेक्टेड सेल के लिए एक्सेल में F2 का प्रयोग होता है। विकल्प अनुसार स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जो होती है वह स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट पूछा गया हॉटमेल के संस्थापक कौन है, तो हॉटमेल के संस्थापक जो माने जाते हैं वो समीर भाटिया जी जो हैं हॉटमेल के संस्थापक हैं। और टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है डॉट टेक्स्ट, जो है टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। कॉपी का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कॉपी का। और ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की होती है, तो कंट्रोल की जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 2 कंट्रोल की होती है। तो नेक्स्ट पूछा गया कि इंटरनेट को क्या कहते हैं, तो नेटवर्क्स का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। और वेबसाइट की कुकीज क्या होती है, तो जो डाटा वेबसाइट से लोड होता है उसे कुकीज कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया है कुकीज से संबंधित। और कुकीज से संबंधित डबल जो है क्वेश्चन पूछा गया है, दोहराया गया है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट SX होता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। और नेक्स्ट है 1 MB किसके बराबर होती है, तो 1024 KB के बराबर होती है, जो 1 MB होती है वह 1024 KB के बराबर होती है। तो इसी प्रकार से 1024 KB के बराबर MB 1 MB, 1024 MB के बराबर 1 GB और 1024 GB के बराबर 1 TB, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अंडों की शॉर्टकट्स होती है कंट्रोल प्लस जेड अंडों की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस जेड होती है। और मस एक्सेल में एम एस एक्सेल में ए से जेड के बाद पेज आता है, तो ए जो है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आया है। एम एस वर्ड है यहाँ पर एम एस एक्सेल में ए से जेड के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है, तो सबसे बड़ी जो मेमोरी यूनिट मानी जाती है वो मानी जाती है जीबी। जीबी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है, जबकि जो जो टीबी होती है, टेरावाइट होती है, वह क्या होती है, वह भी मेमोरी है लेकिन वो स्थाई मेमोरी होती है, और जीबी जो है सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट मानी जाती है। नेक्स्ट है एक्सेल में ऐड कमांड क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और नेक्स्ट पूछा गया प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, नहीं है, तो प्रोग्रामिंग भाषा लोटस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट है बीजीए का फुल फॉर्म है, वीडियो ग्राफिक जो है बीजीए का फुल फॉर्म माना गया है। और नेक्स्ट है कि एक बाइनरी कितने बिट होते हैं एक बाइनरी में, एक क्वेश्चन भी पूछा गया। और कंट्रोल प्लस सी कॉपी, एक क्वेश्चन शायद दो या तीन बार पूछा जा चुका है कंट्रोल प्लस सी, तो इसका जो है कॉपी होता है कंट्रोल प्लस सी के लिए। तो इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। और नेक्स्ट है एमएस वर्ड का यूज किया जाता है, तो स्टोरी टाइप के लिए जो है एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। हम किसी भी स्टोरी टाइप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, कोई भी टाइप हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं, तो एमएस वर्ड इस प्रकार यूज किया जाता है। पीओपी अप क्या है, तो किसी वेबसाइट में से अलग से वेबसाइट ओपन होना ये पीओपी अप कहलाता है। और ये प्रोटोकॉल नेक्स्ट जो प्रश्न पत्र आएंगे या पेपर आएंगे उसमें पीओपी का जो है पी फुल फॉर्म पूछा सकता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म माना जा सकता है, देख लेना आप। एसएमटी पूछा गया है और भी जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है मैथ्स फंक्शन इन एक्सेल, तो स्क्वाट जो होता है वह मैथ्स के अगर फंक्शन एक्सेल में करना है तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है। और नेक्स्ट इनमें से कौन सा ईमेल सिस्टम नहीं है, तो www.google.com ईमेल सिस्टम नहीं है। मैग्नेटिक डिवाइस स्टोरेज कौन सा है, तो हार्ड डिस्क जो होती है मैग्नेटिक डिवाइस स्टोरेज होती है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस आर की का प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, जो है विंडोज प्लस आर की का प्रयोग किया जाता है। मॉडल किसने बनाया, तो ये भी क्वेश्चन आया है। और किसे वेब कहा जाता है, तो वेब पोर्टल को वेब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल सेव करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि जो है शॉर्टकट की और फुल फॉर्म से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। फिर एक क्वेश्चन आया गया कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन आया है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो फुल फॉर्म अगर आपको अच्छे नंबर पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है सॉरी, तो फुल फॉर्म जरूर पढ़ें, शॉर्टकट की जरूर पढ़ें। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का, और एक केबी के कितने बाइट होते हैं ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है, तो 1024 के बराबर होता है एक केबी जो है, एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। तो नेक्स्ट है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा जो है वह हार्डवेयर नहीं है, क्वेश्चन भी आया। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल पहले भी आ चुका। और कंट्रोल प्लस जे का यूज एमएस वर्ड में लाइन एंड टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए जो है किया जा सकता है, किया जाता है कंट्रोल प्लस जे का सॉरी। एक्सेल में पेज साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, तो पेज सेटअप से जो है पेज साइज इंक्रीज हम कर सकते हैं, पेज सेटअप फंक्शन पर जाकर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, तो मैग्नेटिक जो है वो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। और कट पेस्ट करने से क्या होता है, तो कट पेस्ट करने से मूव होता है, कट और पेस्ट से मूव हो जाता है। किसी भी चीज को हम कट और पेस्ट करते हैं तो वह मूव होकर दूसरी जगह स्थापित हो जाते हैं। किसे कंप्यूटर बूट करता है, तो BIOS जो है इसका उत्तर होगा। और नेक्स्ट है प्रिंट कमांड में होल डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए क्या कमांड है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है जहां पर हम होल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है एफटीपी का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म एफटीपी का। और एचटीटीपी जो है का भी पूछा गया और एफटीपी का भी पूछा गया है। आजकल जो भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, तो एफटीपी का यूआरएल का जो है प्रयोग होता है। और एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी प्रयोग जल्द ही होने लगेगा, और एक अच्छे मतलब फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है एक बड़ी फाइल को जो हम डाउनलोड करते हैं तो उसे कंप्रेस किया जाता है, तो कंप्रेस करके जो है अपलोड किया जाता है, क्योंकि जो है उसमें डाटा हमारा ज़्यादा खर्च होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप देख लेना। सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है, तो अवेकस जो है कंप्यूटर डिवाइस है सबसे पहले। और स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल, इससे भी पूछा गया है। नेक्स्ट है अनवांटेड मैसेजेस जो मेल में आते हैं वो स्पैम कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बर्ड में रेडीमेड फाइल कौन सी है, तो टेम्पलेट जो होते हैं वह बर्ड में रेडीमेड फाइल कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो बूटिंग कहा जाता है इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने बूटिंग। और कंट्रोल प्लस यू का अंडरलाइन, ये भी क्वेश्चन डबल बार आ गया है, अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में पिछली सीट में जाने के लिए एट प्लस पेज डाउन पर क्लिक करते हैं, इसका जो शॉर्टकट की है ये है एट प्लस पेज डाउन। यूआरएल को टाइप करने की जगह है एड्रेस बार, यूआरएल को अगर टाइप करना है तो वो एड्रेस बार है, इसकी टाइप करने की जगह है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो वायरस जो है विकल्प अनुसार हार्डवेयर नहीं होता। और सेल्स एंड कलम ऑर्गेनाइज होता है, तो वो होती है सेल्स एंड जो कॉलम होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, सीट जो है होती है। नेक्स्ट है गूगल का इंटरनेट ब्राउजर है, तो वो है क्रोम। और नेक्स्ट पूछा कि डिफॉल्ट पेज ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग प्रिंट एंड वर्क, तो वो होता है पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है, तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग प्रिंट एंड वर्क। एमएस ऑफिस 2007 में मार्जिन का अनुपात क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लें, जो एमएस वर्ड 2007 होता है मार्जिन का, इसका अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और नेक्स्ट पूछा गया है कि रीडो का आइकन क्या होता है, तो रीडो का आइकन क्या होता है, तो आप देख लेना रीडो का आइकन, इस भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और सेल को डिवाइड करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, सेल को अगर डिवाइड करना है तो भाई क्या उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आया है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आया है, और एफटीटीपी का फुल फॉर्म भी आया है, दो तीन बार एफटीटीपी जो है पूछा गया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, तो कंट्रोल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो आप देख सकते हैं स्टोरेज डिवाइस के जो है विभिन्न उदाहरण है, स्टोरेज डिवाइस के जो है हमने देखा कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, मेमोरी है, और जो है हार्ड डिस्क भी उसे कह सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस का ही एक रूप है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की का यूज होता है, तो इंसर्ट न्यू कॉलम और रो के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है, और विंडोज प्लस आर शॉर्टकट की रन के लिए किया जाता है। और किसी भी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर सर्च करने में बिब कुकीज सर्च करने में प्रयोग किया जाता है, तो प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर, तो कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है इसका। और वेब कुकीज क्या होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। और एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया है, एक या दो बार पूछा गया है, दो बार पूछा गया है शायद, दो या तीन बार हो सकता है एक्सेल का एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है बार बार। और इंटरनेट क्या है, ये क्वेश्चन भी दो बार रिपीट हुआ है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कंट्रोल होते हैं, तो दो, ये क्वेश्चन भी हुआ है रिपीट। और एम बी किसके बराबर होती है, एक एम बी 1024 केबी के बराबर होती है एक एम बी, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। और अंडो शॉर्टकट की का प्रयोग कंट्रोल जेड के लिए होता है। और ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल सी। और www का फुल फॉर्म क्या है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। और एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका जो है फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। एजुकेशन पोर्टल में यूआर क्या होता है, तो ईडीयू होता है। और सबसे तेज गणना करने वाला कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है। और एम एस ऑफिस वर्ड में इनमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन भी विकल्प अनुसार जो है हल किया जा सकता है। तो लगभग 112 क्वेश्चनों को यहाँ पर देखा, और कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं 9 से 15 तक के एग्जाम में वो भी हमने देखे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखा। ये क्वेश्चन वो हैं जो 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इतना कलेक्शन हमारे पास हो पाया तो वो वीडियो बनाकर आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हमारे अनुभव के अनुसार जो है वो है, आप शॉर्टकट की ज़्यादा पढ़ें, फुल फॉर्म ज़्यादा पढ़ें, और कंप्यूटर से संबंधित और भी जो है क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से आगे का वीडियो हम पंचायती राज हिंदी का लेकर जल्दी आएंगे, जिससे कि आपको अनुभव हो सके किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप उसकी पढ़ाई कर सकें। दोस्तों जय हिंद।